हेलो एवरीवन, सुप्रभात सभी को एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। सामने ना सुल्तान है और नवाब ने अभी उसे देखा नहीं है, ना सुल्तान ने अभी उसे देखा है क्योंकि नवाब अभी इधर है। और जैसे ही सुल्तान देखेगा उसका रिएक्शन देखना। नवाब ने देख लिया, नवाब ने कर दिया इग्नोर। सुल्तान को खेलना है नवाब ने, सुल्तान को देखना है एकदम कैसे अटैक करेगा ये। दूध घर पे, क्योंकि घर का सारा काम नाबू ही करता है। सही बात है नाबू, घर का सारा काम नवाब ही करता है। हमारे लिए दूध, अपने लिए दही, सब लेके जा रहा है। ये देखो बेचारा कितना काम करता है पूरे दिन। बात आज ऐसा हुआ है कि हिमशु और मैं दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे, है ना। बोलो कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बस बोलो, जल्दी बोलो। उसका भी दीजिए ना, फटाफट खा के वीडियो बनानी है, वीडियो बच्चों को संभालना है। दिल तोड़ दिया मम्मा, मना कर रही है आपको जाने के लिए। तोड़ दिया मम्मा, मना कर रही है बेटा, मम्मा मना कर रही है। पापा ने दिल तोड़ दिया। पीछे पपड़ी देख कितनी बुरी आ रही है यार, सोफे के पीछे शीट बहुत ज्यादा सिलन उड़ के यार पूरे घर में। तो फिर से नहा धो के रेडी होके बैठ गई हूँ, सेम कपड़े पहने जो कल पहने थे जो वीडियो बनाते हुए, क्योंकि वो जो वीडियो थी वो सही नहीं बन पाई तो उसको फिर से बनाना है। तो कपड़े भी फिर सेम ही मैंने पहन लिए, बच्चों को भी दवाई वगैरह लगा दी। और बार बार ना मुझे बार बार ऐसे ना धोखा सा लग रहा है, मैं ऐसे बार बार आदत है, मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4। तो पहले जैसे 6 की आदत थी, फिर 5 हुए, फिर 4, तो मैं अभी काउंट करके आई तो एकदम से मेरे को लगा अरे चौथा कहाँ गया, फिर ध्यान आया कि अरे वो तो अपने घर चला गया। तो अभी 3 बच्चे हैं, बच्चे और जो कल बच्ची गई है उसका नाम रखा है ईवी, और बहुत ही लाड में और बहुत ही प्यार में गई है, बहुत बच्चों की तरह वो लोग केयर कर रहे हैं। और उनके ओनर को कुछ मतलब प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने मना किया है कि या तो डॉग रखोगे या आप खुद रहोगे। तो उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने स्टैंड लिया और बोल दिया कि ठीक है, अगर आप डॉग नहीं रख सकते हो तो हम घर छोड़ देंगे, लेकिन हम बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, बच्चे को नहीं फेंकेंगे। तो रिस्पेक्ट, सीरियसली आप जो मतलब आपने जो स्टैंड लिया है ना, अभी जस्ट कुछ घंटों का प्यार है बच्चे के साथ में और तब आपने इतनी बड़ी बात बोल दी और आप करने को तैयार हो, थैंक यू सो मच। नाबू को लेकर नहीं गया था, मैं करके आ चुका हूँ जिम। और नाबू भाई साहब को देखो, नाबू की मम्मा को भी देख लो। नाबू उठ जा यार, उठ तो मम्मी की बात, मम्मी की कहते ना वो एक फेमस है, मम्मी की चप्पल जब तक नहीं समझ में आएगी बच्चे को बात समझ नहीं आती है। देखो नमस्ते, जतिन आ गया ना। तुम पता है क्यों कर रहे हैं इसे? क्योंकि अब ये खाना खा के आया है, अभी देखना क्या करेगा। क्या कर रहा है देखो देखो। हाँ जी, क्या कर रहे थे आप ये? आप तो पकड़े गए। कल से नहा धो के सेम कपड़े पहन लेती हूँ, ठीक है, एक वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो ही नहीं बन पा रही। सच में प्रमोशनल वीडियोस बनाना इतना भी इजी नहीं होता कि बस वीडियो मतलब कॉन्सेप्ट मिला, स्क्रिप्ट मिली और हो गया, बहुत टाइम लगा है। कल से बार बार रिजेक्ट हो रही है वीडियो, ठीक है। और सेकंड, अभी जैसे मैंने नवाब का अकाउंट चेक किया तो उसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ थी हाईलाइट में, तो अभी देखिए सिर्फ 3 ही बची हुई हैं। तो अभी पिछले 1-1.5 घंटे से हमारी इससे लड़ाई हो रही है कि हाईलाइट क्यों डिलीट कर दी, ठीक है। और नंबर 3 दिन, ऐसा नहीं है दुख कम है, तीसरा दुख ये है कि कल जो बच्ची अडॉप्ट होके गई है ना, तो उसके पेरेंट्स को घर छोड़ने का अलार्म मिल गया, तो वो बेचारे अब नया रूम देख रहे हैं, नया घर ढूंढ रहे हैं। नीचे से हाथ लगा देना। हाँ, हमारे जवाब के सवाल जब से हमें मिले हाँ, तब से हमें समझ आ गया है कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए। हमें जिंदगी से बस यही चाहिए, हमें जिंदगी से हमारे जवाबों के सवाल चाहिए। और जो हम कर रहे हैं हमें बस यही करना है। आपके जवाबों के सवाल मिले आपको? मिले आपको? नहीं 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 नहीं, पैर यार पैर पे पैर रख के गया। रेडी हो गई हूँ वॉकी वॉकी कराने के लिए नाबू को, आज मम्मी जाएगी नाबू को वॉकी कराने। गर्मी को एक बार बताओ क्या ही लाइफ होती है इन बच्चों की, है ना। किन बच्चों की? इन बच्चों की ना सुसु कर सकते हैं, ना पोटी कर सकते हैं खुद से, मतलब सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। है तू ऐसे क्यों देख रहा है? तेरे ऊपर बात नहीं है, बाकी बच्चों है, तू तो नवाब है, तू तो बादशाह है। हां तेरी तो
हर सेकंड में तू बस आऊ कर दे, ऐसे कर दे। हाँ, तो जा नीचे। अरे हाँ भाई चलो नीचे चलो, कोई दिक्कत भी ना। तू तो बादशाह है भाई, तेरे नहीं नीचे गलत ले गया तू। त्यागी जी सही बोल रहे हो आप, वो क्योंकि वो भी तो त्यागी जी है ना, नवाब त्यागी। तो आप उसे भी त्यागी जी बोला करो, मुझे त्यागी जी बोलते हो ना। सबसे सिंसियर बच्ची है, कभी भी किसी भी ह्यूमन के पास नहीं जाती, ह्यूमन पास में आता है तो उनसे दूर होके भाग जाती है। सबसे सिंसियर बच्चा, लेकिन आज इसकी आंखों में ना आंसू दिख रहे हैं, देखो ये देखो। नवाब पापा बुला रहे हैं ना आपको। तो गाइज मैं आ गई हूँ घर, और नवाब की, नवाब की क्या चल रही है रोहन, ये बहुत देर से बुलाने की कोशिश कर रहे हो ना आप इसको। ये हमेशा ऐसे करता है, ये क्या खाड़े में कुश्ती चल रही है तुम लोग। ए यार निकल गया रोहन, कितना तेज है, कितना तेज। अब वहां जाके फिर क्या देख रहा है लोमड़ी की तरह। हाँ तो मैं ये आजकल आलू भुजिया खा रहा था, लेकिन आलू भुजिया खाते खाते मुझे लगा कि आलू भुजिया सही नहीं है। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, उसने मेरे को बोला आपको एक टेस्ट कराना है। यार रोहन तुमने तो प्रमोशन वालों की भी ले ली यार। जब आपको टेस्ट का रिजल्ट आया तो मुझे पता चला ओ ये गलत है। तो मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि इसका एक ही सोल्यूशन है, अब तुम आलू भुजिया नहीं आलू सेव खाओ। आपको आलू भुजिया नहीं खानी चाहिए। तो मैंने फिर उसे आज से आलू भुजिया खाना बंद कर दिया, लेकिन मैं फिर भी खाऊंगा। यार आज का दिन कितना बेकार गया ना, कितना खाली दिन गया। मतलब खाली नहीं कहूंगी मैं, तुम्हारे दिमाग की और मेरे टाइम की जो वेस्टेज हुई है ना। अगेन आई वांट टू रिपीट, ठीक है, मैंने कल अपना अलमीरा खोला, मेरे को उसमें मिलाई व्हाइट बोर्ड, लेकिन मुझे पता था ये परमानेंट है। हाँ। ये मिटेगा नहीं। हाँ। तो मैं, मुझे लगा कि यार इसे मिटाना आसान है, लेकिन फिर भी मैंने एक डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको इसके लिए एक टेस्ट कराना पड़ेगा, अगर टेस्ट में पता चलता है कि मिटा सकते हो या नहीं तभी आपको मतलब राइट डिसीजन होगा। ठीक है, मैंने टेस्ट कराया, मेरे को टेस्ट करा के पता चला कि आप नहीं लिख सकते हो। यस आप इसे मिटा सकते हो। अच्छा आप मिटा सकते। अच्छा देखो 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 इसको देखो लोमड़ी को। मैं चाहता हूं तू क्या सुन रहा है, मैं चाहता हूं मैं इसे इंस्टा पर रिवील कर दूं। क्या नहीं नहीं पागल हो गया ऐसे नहीं कर। जो ये बकवास किए जा रहे हैं ना पूरे व्लॉग में, मैं बताती हूँ इसका क्या सीन है। मतलब खुल के तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सीरियसली जो भी सीन है ना आप लोग समझ सकते हो। हम कल से फेडअप हो गए, लिटरली फेडअप हो गए, और कितनी बार तो मुझे व्लॉग बनाना भी ध्यान नहीं रहा। आज मैं थोड़ी सही लग रही हूँ, बताऊँ क्यों? क्योंकि मैंने काजल भी हटाया है, लिपस्टिक भी हटाई है, मुंह धो के बैठी हूँ आज मैं। कल मैंने लिटरली मुंह भी नहीं धोया था, आई बस कपड़े चेंज किए और आके सो गई। मेरी ये हालात रहते हैं। ये लोमड़ी को क्या हो रहा है? ये लोमड़ी किसकी है? ये लोमड़ी किसकी गुम हो गई? ये किसकी लोमड़ी गुम हो गई? रोहन पिछले 5-6 घंटे से यही कर रहे हैं, नवाब इधर आओ नवाब इधर आओ नवाब इधर आओ। और नवाब जो बेइज्जती करता है ना पापा की, सीरियसली ये लोमड़ी किसकी है? लो लोमड़ी बैठ गई। और एक बात और मैं शेयर करना भूल गई आप सबसे, आज मैं बच्चों को खाना खिला रही थी ना, तो एक बच्चा ऐसे मेरे पैरों के ऊपर चढ़ा, और मेरे को लिटरली मेरे को ये फील हुआ कि ब्लड आ गया होगा। मैंने घर आके चेक भी नहीं किया, मैं भूल गई, और उस टाइम पे मेरे को ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितना ब्लड आ गया होगा, बहुत मतलब बहुत सच में बहुत पेन हुआ। अब मैं चेक करती हूँ, पहले चेक करती हूँ देखती हूँ क्या। हाँ नहीं काटा नहीं, नेल लगा ऐसे ना बेचारा, मतलब ऐसे झप्पी मारने की कोशिश कर रहा था, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, और इनके नेल्स कौन काटता है भाई, है ना, ये तो अपना खुद ही उसमें रहते हैं। तो उसका नेल लग गया मेरे को काफी लंबा, मैं चेक करती हूँ कि लगा भी है या सिर्फ मतलब पेन ही हुआ। चेक किया मेरे पैर पे ना बहुत लंबा स्क्रैच है उसके, उसका नेल का। तो रोहन कह रहे प्यार करते हैं बच्चे आपसे, और फिर क्या बोला जान ले वो प्यार करते हैं बच्चे आपसे। देखो आपके साथ ये दिक्कत है, जो लोग आपको प्यार करते हैं आपको दर्द देते हैं, दर्द मुझे भी ये कहते हैं हमेशा कि मैं आपको दर्द देता हूँ। अभी चेक किया मैंने, मेरे तो काफी लंबा स्क्रैच लगा हुआ है। तो रोहन बोल रहे हैं कि जो भी आप बच्चे ना आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो मैंने बोला कि इतना जानलेवा प्यार करते हैं, कितने हाथों पे स्क्रैच रहते हैं, पैरों पे स्क्रैच रहते हैं, बहुत स्क्रैच रहते हैं, कभी कभी तो दांत के स्क्रैच होते हैं, कभी तो नेल्स के होते हैं, लेकिन हाँ ये बात तो है बच्चे प्यार तो करते हैं। चो, पकड़ो, ये देखो आज ये वाला बच्चा बहुत टाइम बाद मिला,
ये अंकल हमेशा इसके लिए खाना लेते हैं, हमेशा आवाज लगा के लाएंगे। रुको रुको, धन्यवाद। ओके मैम, वही हम हैं अभी, ये आप हो अभी 25, 26, 27, 27, ठीक है, फिर छुट्टी जा रहे हो, गाँव जा रहे हो, गया छह महीना आएगा, ठीक है, चलो 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 वहाँ देना, चलो। ओके मैम, धन्यवाद। ओके जी, हेलो करके दिखाओ सारे, हेलो हेलो करो, हेलो करो, ये देखो पहले दिन मिले थे कैसे डर रहे थे, और अब देखो कैसे मिलने के लिए, हैंडशेक करने के लिए। और खाना दे दूंगी मैं, तब तक खड़ी रहूंगी जब तक आप लोग खाना खा लोगे, इसे भी खाने दो ठीक है आराम से, और आप लोग भी खाओ। बच्चों को खाना खिलाने गई थी, खाना खिला के भी आ गई और भूल ही गई ब्लॉग बनाना। अब वापस आई हूँ तो माइंड में आया कि अरे यार तो ब्लॉग भी बनाना था, पर कोई ना, मैंने स्टोरी वाली वीडियो बनाई है वो एडिट कर दूंगी। और अब मैं जा रही हूँ घर, घर जाके सबसे पहले बच्चों को भी खाना खिलाना है एक बार, और एक बार की शिफ्ट हो रहेगी, और नाबू के साथ भी थोड़ी सी मस्ती, और उसे खुजू खुजू करनी होती है सोने से पहले, आधा घंटा वो मेरा लेता ही लेता है, उसको मालिश करानी ही करानी होती है। और आप लोग चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो और सब्सक्राइब करो। शुभरात्रि।